दोस्तों आज हम देखेंगे क्लेम क्वेरी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत क्लेम क्वेरी आखिर होता क्या है, इसके बाद क्लेम क्वेरी का रिप्लाई कैसे किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस हम यहां आज सीखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं उपेन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैप में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैंने एक हॉस्पिटल के लॉगिन को लॉगिन कर रखा है। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसके फीचर्स और डैशबोर्ड के बारे में बता चुका हूं। ये सामने जो दिख रहा है डैशबोर्ड है, राइट साइड में देख सकते हैं कुछ फीचर्स है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मेनू बार है, ठीक है। और इसमें पूरा प्रोसेस दिया रहता है, कैसे पेशेंट को रजिस्टर करेंगे, प्री ऑथ कैसे करेंगे, डिस्चार्ज कैसे करेंगे, क्लेम कैसे सबमिट करेंगे और क्लेम पेड हम कैसे देखेंगे। तो पहले मैं इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूं और मैं प्रत्येक वीडियो में लगभग इसको मैं ब्रीफ कर ही देता हूं। तो फ्रेंड्स, हम सीधे चलेंगे, हमको क्लेम क्वेरी है, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में क्लेम कैसे सबमिट किया जाता है ये पूरी अच्छी तरह से सीखा था। अब हम देख सकते हैं कि क्लेम क्वेरी अगर आ जाए, क्लेम हमने सबमिट किया और कोई ना कोई डॉक्यूमेंट के अभाव में राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो क्लेम क्वेरी कर दिए कि नहीं ये डॉक्यूमेंट आप दीजिए, तभी आपका क्लेम जो सबमिट किए हैं वो एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसा कि हमने प्री ऑथ क्वेरी में देखा था कि कुछ डॉक्टर, जैसे प्री ऑथ पैनल डॉक्टर थे, तो वो रेफरल लेटर या फिर कंसल्टेशन लेटर ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर का मांगते थे। उसी तरह यहां भी कुछ ना कुछ डिमांड किया जाता है राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा कि ये चीज आप अपलोड कीजिए, अटैचमेंट डॉक्यूमेंट दीजिए, तभी आपका क्लेम सबमिट फाइनल माना जाएगा। अगर वो डॉक्यूमेंट अगर आप देते हैं तो उसके आधार पर आपका क्लेम पेड किया जाएगा, यानी पैसा हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां देख सकते हैं क्लेम क्वेरी रिप्लाई, क्लेम क्वेरी किया गया है स्टेट से, रिप्लाई हमें देना है, यानी मेडिको या आरोग्य मित्र को देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्लेम क्वेरी में आप देख सकते हैं तीन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्लेम क्वेरी को पहले क्लिक करते हैं कि तीन किसका किसका है। देखिए फ्रेंड्स, ये पेज रिलोड हो गया। आप देख सकते हैं तीन केस है, रेखा कुमारी, शकुना देवी और एक रूपेश कुमार का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्लेम जो इनिशिएटेड अमाउंट था ये दिया हुआ है 9,1705। हम एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेखा कुमारी का देंगे। एक्चुअली ये 9000 का जो केस है ये पहले नॉर्मल डिलीवरी का था, ये 17/12/2021 का केस है, ठीक है, जब क्लेम सबमिट हुआ था और रजिस्ट्रेशन था 17/2/2020 का। तो इसमें कुछ न कुछ देखिए आप देख सकते हैं केस स्टेटस में दिया है क्लेम केप्ट पेंडिंग बाय एसईओ, यानी पेंडिंग रखा गया है एसईओ के द्वारा, ठीक है। जब तक एसईओ का कहना है, एसईओ मीन्स होता है अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। तो एसईओ द्वारा इस क्लेम को पेंडिंग रखा गया है, एसईओ अकाउंट्स ऑफिसर डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये डॉक्यूमेंट आप दीजिए, प्रोवाइड कीजिए, तभी हम आपके क्लेम को सेटल करेंगे, क्लेम को पेड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम केस नंबर पर क्लिक करके देख लेते हैं कि आखिर एसईओ अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा क्या डिमांड किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले नंबर रेखा कुमारी का हम यहां पर केस नंबर पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा पेज रिलोड होने में टाइम लगेगा। देख सकते हैं पेशेंट डिटेल्स आप ऊपर में देख सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। नीचे जस्ट आया मेनू बार एक, ठीक है। जैसे जैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया, प्री ऑथ इनिशिएट किया, ठीक है, अटैचमेंट वगैरह का, केस शीट का सारा डिटेल्स वहां अटैचमेंट के लिए दिया रहता है। अब देखिए, आप देखिए इसमें क्लेम है, देखिए क्लेम पर जाकर ही यहां पीला हो गया, यानी ये जो क्लेम दिख रहा है ना येलो कलर का, तो क्लेम का ही ये पूरा डिटेल्स है, इसी वजह से जो खुला तो क्लेम को इंडिकेट कर दिया। आप देख सकते हैं क्लेम डिटेल्स भी, जैसे ऊपर में पेशेंट डिटेल्स देखा आपने, क्लेम डिटेल्स भी आप नीचे देख सकते हैं। जस्ट 9000 रुपए का प्री ऑथ अप्रूव्ड अमाउंट है और ये देख सकते हैं प्री ऑथ डेट दिया हुआ है, क्लेम डेट दिया हुआ है और लास्ट क्लेम अपडेट जब किया गया था उसका भी दिया हुआ है, ठीक है। आप जस्ट नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए इतना बड़ा वर्क फ्लो दिया हुआ है, यानी आप देख सकते हैं मेडिको ने 1, 2, 3 बार अपडेट किया है और जो सीपीडी हैं, क्लेम पैनल डॉक्टर हैं, ठीक है, और एसईओ अकाउंट्स ऑफिसर हैं,
और CEX दिया हुआ है, क्लेम एग्जीक्यूटिव है, सारे लोगों ने क्लेम को फॉरवर्ड किया है या फिर उसको पेंडिंग रखा है विद रीजन, ठीक है। मेडिको का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स मेडिकल कोऑर्डिनेटर, जो जनरली एक डॉक्टर ही होते हैं जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अच्छी तरह से आता हो, वही मेडिको होते हैं। आरोग्य मित्र उनसे नीचे होते हैं जो मेडिको के सलाह पर चलते हैं। आप यहां से देख सकते हैं मेडिको ने 17-12 को यहां पर क्लेम इनिशिएट किया है, ठीक है। इसके बाद 20-12 को क्लेम एग्जीक्यूटिव ने फॉरवर्ड किया है, क्लेम फॉरवर्ड किया है, ठीक है, आगे अपने अगले पदाधिकारी के पास, ठीक है। इसके बाद 25-12-2021 को सीपीडी यानी क्लेम पैनल डॉक्टर ने अप्लाई किया है, ठीक है, और सीपीडी अप्रूव कर दिया है। इसके बाद फाइनली गया कहां, अकाउंट्स ऑफिसर, जो फाइनली पैसा पेमेंट करते हैं, ठीक ना, यानी जो भी अमाउंट है उसको हॉस्पिटल को वो ट्रांसफर करवाते हैं। तो ये दो हजार बाईस को, ठीक है, यानी करीब 1.5 महीने बाद आप देख सकते हैं यहां पे अकाउंट्स ऑफिसर का रिमार्क दिया हुआ है कि व्हाई आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट डन, आधार ऑथेंटिकेशन क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कि उस समय तक आधार ऑथेंटिकेशन वहां फैसिलिटी दिया हो और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ हो, ठीक है। तो आधार ऑथेंटिकेशन का फैसिलिटी अगर दिया हुआ है तो पेशेंट को बुलाकर उसका अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक के द्वारा उसका आधार ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, या फिर प्रोविजन अगर नहीं होगा तो लिख देंगे कि हाँ इसका कोई प्रोविजन नहीं है, इस वजह से हमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया। तो इसी वजह से क्लेम पेंडिंग रखा गया है अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा। अब देखिए इसके बाद जब उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया तो मेडिको के बकेट में चला आया, हॉस्पिटल के बकेट में, स्टेट बकेट से हॉस्पिटल के बकेट में चला आया, और हॉस्पिटल के जो मेडिको था, मेडिकल कोऑर्डिनेटर वो सीधे लिख दिया कि बेनिफिशियरी नॉट अवेलेबल, बेनिफिशियरी अवेलेबल ही नहीं है कि मैं उसका अंगूठा लूं। और इसको मेडिको द्वारा, ठीक ना, एसईओ को क्लेम पेंडेंसी को अपडेट कर दिया गया है ये रिमार्क लिखकर, ठीक है। पुनः जब स्टेट के बकेट में चला गया, ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर के बकेट में चला गया ये अपडेशन, तो वहां पे पुनः 27/4/2022 को अकाउंट्स ऑफिसर ने बोला है कि काइंडली प्रोवाइड ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एज पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, यानी एसटीजी एक होता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग ये बोल दिया है कि सभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए। मेडिको ने बोल दिया कि हमारे पास सारे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, अब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो यहां पे लिख दिया नॉट अवेलेबल, और इसके बाद मेडिको ने अकाउंट्स ऑफिसर को अपडेट कर दिया है, ठीक है। अकाउंट्स ऑफिसर के बकेट में फिर गया और फिर अकाउंट्स ऑफिसर ने इसको पेंडिंग रखते हुए एक फिर से रिमार्क दिया, वाई आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट डन, पुनः वही बात मिला। जब बोल दिया कि बेनिफिशियरी नॉट, पेशेंट नॉट अवेलेबल है, बेनिफिशियरी नॉट अवेलेबल है पहले ही इनके क्वेश्चन के जवाब में, तो पुनः ये क्वेश्चन तो नहीं जनरली करना चाहिए क्योंकि वो उसका आंसर दे चुका है, लेकिन फिर भी एसयू ने वो पुनः पूछा है, ठीक है, और उसको पेंडिंग ही रखा है। सबसे पहले ये एक मांग रहा है कि एसटीजी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और क्यों नहीं आधार ऑथेंटिकेशन हुआ, इस दोनों का हम जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले अटैचमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्क्रॉल करके थोड़ी सी ऊपर जाएंगे जहां पे एक मेनू बार बना हुआ है, जहां पे अटैचमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ, केस शीट का, क्लेम ट्रीटमेंट डिस्चार्ज का ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके जस्ट बगल में, क्लेम के जस्ट बगल में अटैचमेंट है, यहां से अटैचमेंट पे जाएंगे और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स ये रेखा कुमारी के संबंधित है उसको अपलोड कर देंगे, अगर आपके पास है तो, ठीक है, नहीं तो मैं डेमो के लिए यहां से डाउनलोड एज वन PDF करके इनका कुछ डिटेल्स डाउनलोड कर देता हूं जो प्रीऑथराइजेशन के समय दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहां से डाउनलोड कर लिए, क्लिक किए और ये हमारा डाउनलोड हो गया। मैं देख सकता हूं यहां पे नेक्स्ट करके कि क्या क्या प्रीऑथराइजेशन के समय डॉक्यूमेंट अटैच किए गए थे, हम यहां से देख सकते हैं नेक्स्ट करके, हम नेक्स्ट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं अटैचमेंट जो दिया गया है, ऑपरेशन डॉक्यूमेंट दिया गया है, आफ्टर डिस्चार्ज फोटो दिया गया है और डिस्चार्ज समरी डॉक्यूमेंट दिया गया है। मोटा मोटी लगभग लगभग जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट थे वो लगभग लगभग दे दिया गया है, ठीक है, और कुछ मिसिंग होंगे पेपर
तो अलग बात है, लेकिन लगभग लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स दे ही दिया गया है, ऑपरेशन डॉक्यूमेंट दे दिया गया है, ठीक है, आफ्टर डिस्चार्ज फोटो, और सबसे बड़ी बात होता है कि डिस्चार्ज समरी डॉक्यूमेंट दे दिया गया है। यहाँ से डिस्चार्ज समरी डॉक्यूमेंट आप क्लिक करके देख सकते हैं, सारा देख सकते हैं। यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का देखिए डिस्चार्ज अब्लिक रेफरल अब्लिक लामा अब्लिक मृत्यु अब्लिक समथिंग कुछ करके दिया हुआ है। तो इस केस में ये डिस्चार्ज फॉर्म में होंगे, तो डिस्चार्ज दे दिया गया है, यहाँ डॉक्टर्स का सिग्नेचर और मोहर है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रूफ हो गया कि हाँ ट्रीटमेंट अच्छी तरह से लिया गया है, उसमें सारा डिटेल्स दिया गया है। तो आई होप कि ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, बस इसमें आप डाल दीजिए ऑथेंटिकेशन से संबंधित। अब यहां पे फ्रेंड्स आपको, अब फ्रेंड्स आप यहां पर आ गए, यहां पर सिंपल एक रिमार्क आपको देना है, तो फ्रेंड्स जस्ट ऊपर आइएगा तो रिमार्क देखिए एसयू रिमार्क्स दिया गया है, ठीक है, व्हाई आधार ऑथेंटिकेशन नॉट डन, ठीक है। तो यहां से जस्ट हम स्क्रॉल करके ऊपर, तो यहां से देखिए रिमार्क का एक ऑप्शन आ रहा है, यहां पर कर्सर ब्लिंक कर, आप यहां पर रिमार्क में ऑप्शन दे सकते हैं दिस इज वेरी ओल्ड केस एंड बेनिफिशरी नॉट अवेलेबल, इसलिए आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया जा सका, ठीक है। ये रिमार्क लिखकर नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ हम एक्शन टाइप में आएंगे, अपडेट करेंगे यहाँ, और नीचे जस्ट आएंगे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ से हॉस्पिटल बिल को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या का इलाज हुआ है, कितना का ट्रीटमेंट पैकेज बुक किया गया है, ठीक है। अब फाइनली यहाँ हम चेकबॉक्स करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करने के बाद हमारा ये जो केस है अपडेट हो जाएगा। चलिए हम सबमिट किए, एक मैसेज आया डू यू वांट टू अपडेट, हम यहां पर क्लेम को अपडेट कर रहे हैं, तो ओके हम क्लिक करेंगे। यहां क्लेम क्वेरी रिप्लाई में तीन है, अभी घटकर दो हो जाएगा, अभी पेज रिलोड हुआ और रिलोड होने के बाद क्लेम पेंडिंग अपडेटेड बाय मेडिको यानी मेडिकल कोऑर्डिनेटर को द्वारा क्लेम पेंडेंसी को अपडेट किया गया, ओके पर हम क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते हैं ये तीन से घटकर दो हो जाएगा, आप देख सकते हैं जो पेज हमारा रिलोड हुआ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेखा कुमारी गायब हो गया और यहाँ जो क्लेम क्वेरी रिप्लाई तीन है ये भी आपको दो हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे हमने प्रियोत क्वेरी में देखा था कि प्रियोत क्वेरी अपडेट करने के बाद इसका काउंट घट रहा था, उसी तरह ये तीन से दो हो जाएगा, अभी अपडेट नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ी देर में हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका ये प्रोसेस, अगर सिंपली रिमार्क के थ्रू अपडेट करना है तो रिमार्क के थ्रू अपडेट करेंगे, अगर अटैचमेंट डालने के लिए बोलेंगे तो हम अटैचमेंट में जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फाइनली अपडेट कर देंगे, जैसा कि नॉर्मल प्रोसेस में होता है। जैसे प्रियुत क्वेरी रिप्लाई का प्रोसेस है उसी तरह क्लेम क्वेरी रिप्लाई का प्रोसेस है, कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं नॉलेज के लिए बता दिया कि क्लेम क्वेरी आखिर होते क्या हैं, क्यों अराइज किए जाते हैं और इसको कैसे रिप्लाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आयुष्मान भारत के तहत क्लेम क्वेरी को कैसे रिप्लाई किया जाता है, यानी री अपडेट कैसे किया जाता है। अब हम धीरे धीरे सीखेंगे कि आयुष्मान भारत के तहत पैकेजेस कैसे बुक किए जाते हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में यही सारे एक एक स्पेशलिटी एक एक प्रोसीजर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।